So for paper crafting, we will be needing a lot of tools. So the first one is this paper trimmer. So this is the first option. Agar aapke paas ye nahi hai, you can always use your scale or your paper cutter or even the scissors also. So this is one, and जो भी सप्लाईज मैं यूज कर रही हूँ उसके लिंक्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है ईमेल पे, और आई विल बी डूइंग इट लेटर ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पेपर क्राफ्टिंग, फर्स्ट यू विल द टूल यू विल बी नीडिंग इज योर पेपर ट्रिमर. दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्मूथ एंड ईजी कटिंग. नाउ द नेक्स्ट पेपर क्राफ्टिंग टूल, माई सेकेंड वेरी फेवरेट वन इज score board. So this is a 12 by 12 score board. You can even have the smaller one, but this is just perfect. It comes with a scoring tool. How to use it will show you in the later on. I will be also sharing with you a lot of links for using these tools. So iske baad mein, if you don't want to have this, there is one more thing which I use. It's these bone folders. This is just perfect agar aap scissor scale se apna artwork बना रहे हो, तो यू कैन लिटरली जस्ट यूज दिस एंड यूज इट फॉर स्कोरिंग, फॉर फोल्डिंग, एंड दिस वर्क्स परफेक्टली. ओके, सो ये बेसिक टूल्स हैं. अदरवाइज सीजर, पेपर कटर एंड स्केल, दोज आर लाइक वेरी वेरी कॉमन रिक्वायर्ड टूल्स हियर. So first of all, what is explosion box? Now this is an explosion box card making. So why it is called explosion box? Because once you open the lid, all the flaps open up like this, and you have a beautiful decor at the center, and even you can leave it empty, and you can have these pull out tags, or you can just leave empty spaces for your pictures and your journaling. Now for closing, you just need to hold all the lids, put it back. Now the size of this explosion box is 3 inches by 3 inches by 3 inches. With this tutorial you can make any size explosion box. Just keep on mind the few points which I will be sharing, and we will be using this as a reference for our tutorial today. So first we need to create the base of this explosion box card. Okay, so for this one we need the paper of size 9 inches by 9 inches. We will be talking everything in inches measurement sizes. So here is my paper of size 9 inches by 9 inches. Let me write it here, 9 inches by 9 inches. Okay, and ab hum lenge hamara scoring tool, and you just need to score it at the margin of 3 inches, 3 inches, and 3 inches. हमको इसको इक्वली डिवाइड करना है. सो दैट विल बी 3 inches, देन 6 inches, एंड द लेफ्ट ओवर. अब हम इसको रोटेट करेंगे, देन अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस, 3 inches, 3 inches. आई होप यू कैन सी द ग्रेड. नाउ वी हैव 9 ब्लॉक्स हियर. ओके, अब इसमें हमको कट करना है पार्ट 1, 2, 3, 4. ओके, नाउ इफ यू कैन इमेजिन, हमारा ये जो एक्सप्लोजन बॉक्स है ये इसी से हमने बनाया है. सो वी नीड टू कट ऑल दीज 4 पार्ट्स. नाउ वाई टू वेस्ट दीज 4 पार्ट्स? सो उसके लिए वॉट वी कैन डू इज, वी कैन ऑलवेज यूज दीज पार्ट्स एज अ फ्लैप. सो उसके लिए वॉट वी विल बी डूइंग राइट नाउ इज टेक अप योर स्केल, एंड ये जो कॉर्नर पॉइंट है वहां के इस कॉर्नर पॉइंट से यू हैव टू मार्क अ लाइन. कैन यू सी दिस? सो दिस विल बी फोल्डिंग दिस साइड. दिस विल बी फोल्डिंग दिस साइड. थ्री, four. Now with the help of a scissor we will cut this part.
सो दिस प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. आपको जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में कट करें सो दैट इट बिकम्स ईजियर. ओके सो वी आर डन विथ आर कटिंग. नाउ वॉट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू फोल्ड द फ्लैप्स वेर एवर वी वॉन्ट टू हैव आर पॉकेट्स. ओके नाउ लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू हैव दिस पॉकेट हेयर. आई वॉन्ट अ रिवर्सिबल पॉकेट फ्रॉम दिस साइड. सो वॉट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी फोल्डिंग इट लाइक दिस. देन माई सेकेंड पार्ट, देन माई थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. ओके सो वी नो हमको ये हमने ये चार पार्ट्स यूज़ किए हैं. आई एम लीविंग दिस वन एक्स्ट्रा इफ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज. लेट मी डू इट दिस वे. वन टू वन टू थ्री. लेट मी फोल्ड दिस वन. आई होप दिस इज क्लियर राइट नाउ. सो नाउ वॉट वी विल डू इज वी विल टेक अप अ लिक्विड एडेसिव एंड हमको इस पार्ट पे एडेसिव लगाना है. ओके एंड देन यू नीड टू स्टिक इट हियर. अब आपको अपना बोन फोल्डर लेना है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल. इससे आपको प्रेस करना है सो दैट ये आपका अच्छे से बेस पे स्टिक हो जाए. कैन यू सी दिस. लाइकवाइज हम अपना सारे प्रोसेस को रिपीट करेंगे चारों साइड का. सो एक्सप्लोजन बॉक्स जब आप बनाते हैं आपके फ्लैप्स को स्टिक करना ऑल दीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टिक इट रियली वेल. एंड बोन फोल्डर होना बहुत ज़रूरी है. इट मेक श्योर दैट आप जो भी स्टिक कर रहे हो उसमें अच्छे से प्रेस हो जाए एंड दैट्स रियली हेल्पफुल. एंड वी आर डन. सो कैन यू सी इसमें हमने रिवर्स पॉकेट किया है सो दैट द फ्लैप्स विल बी कमिंग फ्रॉम द आउटर साइड. ये हो जाने के बाद नाउ वॉट वी नीड टू डू इज वी आर गोइंग टू फोल्ड ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ आर एक्सप्लोजन बॉक्स. अगेन वी विल नीड आर टूल. सो वन टू थ्री फोर. सो दिस इज द फोर फ्लैप विच हैज ओपन्ड. नाउ इफ यू वॉन्ट अगर आपको बाहर के साइड में भी पॉकेट चाहिए यू कैन ऑलवेज फ्लैप इट बैकवर्ड्स. बट हम फॉर राइट नाउ हम इसको कट करेंगे. सो वी ऑलरेडी हैव अ स्कोर लाइन एंड वी विल कट इट अलोंग दैट. कैन यू सी दिस. नाउ अलोंग दिस स्कोर लाइन वी विल कट दिस पार्ट. Three and four. Now can you see हमारा base ready हो गया है for your explosion box card. Now again very quickly I'll repeat. You need to press your edges really well with your bone folder. This will make sure कि आपका जो भी adhesive है वो अच्छे से stick हो जाए and it finishes out properly. So your front and back is ready. अब इसके बाद हमको इसके ऊपर स्टिक करने हैं हमारे पैटर्न पेपर. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द आउटर साइड. अब जो हमारा पैटर्न पेपर लेना होता है सो लाइक दिस ईच साइड इज 3 inches by 3 inches बिकॉज हमने इसको 3 equal parts में डिवाइड किया. सो जब भी आप अपना पैटर्न पेपर लेते हैं यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपके एक्चुअल साइज से एक्चुअल कार्डस्टॉक के साइज से थोड़ा छोटा हो सो दैट यू हैव अ वेरी नीट एंड ब्यूटिफुल बॉर्डर अराउंड. लेट मी शो यू. लाइक इन दिस वन हमने यहाँ पर अपना वी हैव केप्ट अ फ्रेमिंग बॉर्डर आउटसाइड. सो दिस गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल एज टू आर पैटर्न पेपर. अब मैं अगर इसी को पूरे एज से लगाती हूँ देयर विल बी नो फ्रेम. कैन यू सी द डिफरेंस. सी दिस वन इज लुकिंग मोर ब्यूटिफुल. वाई? बिकॉज इट हैज अ नीट बॉर्डर आउटसाइड. सो टू क्रिएट दैट बॉर्डर वॉट यू नीड टू डू इज आपने जो भी अपना पेपर साइज लिया है उससे लिटरली आपको 0.25 mm छोटा कट करना है एंड देन टू स्टिक योर
pattern paper. Either you can use your tacky tape or you can use any of your adhesive. Okay, so one. एंड इस पूरे प्रोसेस में यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप अपना स्टिकिंग वर्क कर रहे हैं यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज विद द साइजेस. आपको चाहिए तो आप अपना बेस रेडी करके प्रेप अप करके देन यू स्टार्ट स्टिकिंग. आप बहुत सारा टाइम सेव करोगे. सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके एंड डन. सो कैन यू सी I have my pattern paper also. I can even see the beautiful border around it. Now, very important thing is to use your tool and just make sure you press it really, really, really well. Okay, and done. So here we are done with our pattern paper on the outer side. Now for the inner side, what I am going to do is I am going to use my few more pattern papers. Now for the inner triangles, we are going to use our pattern paper. So this is the same size pattern paper jo humne front mein lagaya tha. Now on the inner side, we are going to put it. Now here is a trick. Whenever you want to put up your pattern paper in a triangular pattern, usko reversible kar do so that marking becomes easier. Yahan pe again, we'll leave some space for the frame. I'll just quickly mark this and I'll show you. Okay, now I hope this is visible on screen. Yes, it is. Okay, so can you see हमारा ये line यहाँ जा रहा है, but मैंने थोड़ा नीचे से लिया है. Same thing applies here. Okay, now I have my marking. I'll just make it a little darker for you. Okay, now can you see the marking? So this is the first and this is the second part. Now you can pick up any of your paper trimmer, and if you don't have a paper trimmer, you can even use your scales and scissors. But here, because I'm having a trimmer, I'll use it. I'll just keep it on both the edges. ये जो हमने marking किया है, and you just cut it. Now very neatly, you have your triangle ready. Got it? So can you see the beautiful border? So likewise, we are going to stick all our papers. I have already pre-cut few for me. And just make sure that you apply adhesive properly. Agar aap adhesive kam lagaoge, to wo stick nahi hoga and it is going to come out. And definitely, we want our explosion box to be there for as long as they are. So adding few more, and iske baad aapko have to use your bone folders very quickly. I'll do this and then immediately we will start adding our pattern papers. Okay, so pattern paper stick karna is super fun. I usually prefer to use my tacky glue, but as a beginner aap bana rahe ho to you can use your adhesive so that it's easier for you. Now again my magic tool, that's my bone folder. Jo bhi supplies main use kar rahi hu uske links main aapke sath share kar dungi. Do not worry about that. Okay, and now can you see we have our base of explosion box already ready with the beautiful pattern papers, and इस पर हमने reversible like opposite direction में बनाए हैं अपने pockets, so you can always have a space to stick pictures here. Okay, now once this is ready, we are going to cover the center part of it again with a pattern paper. Now for the center part, again I have picked up a pattern paper. Same formula same है आपके paper pattern paper cut करने का. जो भी actual size है उससे थोड़ा थोड़ा like 0.25 सेंटीमीटर आप छोटा लीजिए एंड देन स्टिक इट एंड योर बेस विल बी रेडी. अब सेंटर पार्ट को यू कैन ऑलवेज डेकोरेट विथ योर फ्लावर्स. यू कैन इवन पुट अ कपकेक इनसाइड. यू कैन पुट चॉकलेट्स एंड यू कैन यूज योर बॉक्स लाइक दिस. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस बेस ऑफ द बॉक्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लिड पार्ट. दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. सो लिड बनाने के लिए मैंने थोड़ा डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ किया है विच रियली मैचेस विद द कलर पैटर्न एंड जो हम ग्रीन थीम में कर रहे हैं. नाउ फॉर दिस वन यू नीड द पेपर ऑफ साइज 5 inches by 5 inches. बाई 5 inches जब भी हम अपना एक्सप्लोजन बॉक्स बनाते हैं यू विल नीड योर बॉर्डर्स फॉर योर बॉक्स कार्ड. नाउ लेट मी शो यू योर. जैसे फॉर दिस वन दिस इज अ लिटल बिगर देन योर बॉक्स
का साइज, राइट, देन ओनली इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्ट इनटू अ लिड. दैट्स व्हाई यू नीड अ लिटिल बिगर साइज. आपको जितना बड़ा चाहिए, लाइक आई यूजली प्लान फॉर ऑलमोस्ट 0.75 इंचेस, सो यू कैन हैव इट ऑल अराउंड द 0.75 इंचेस ऑफ योर बॉक्स. एंड आपका लिड इजिली ओपन होना चाहिए, इसलिए दिस पार्ट हैज टू बी अ लिटिल बिगर देन योर बॉक्स साइज. सो अगर हमारा बॉक्स साइज इज 3 inches, ये वाला जो पार्ट है दिस हैज टू बी अ लिटिल बिगर. सो इसके लिए जब भी आप अपना स्कोर करते हैं बोर्ड को, आई विल शो यू हाउ आई डिड दिस. सो दिस इज माई स्कोरिंग बोर्ड. मैंने मेरा कार्ड स्टॉक लिया एंड देन आई हैव माई स्कोरिंग टूल. मैं इसको 0.75 से थोड़े ज़्यादा पे मैंने स्कोर किया. अगर आपको रेफरेंस के लिए ईजी करना है तो आप यहाँ से काउंट कीजिए 1, 2, 3 एंड देन एक एक्स्ट्रा, सो दैट दिस विल गिव यू द ब्रीदिंग स्पेस कि आपका लिड ईजिली निकल जाए. एंड यू हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन. आपने जो भी, अगर आपको अपना लिड साइज 1.5 रखना है, आपने बड़ा साइज पेपर लिया, आपने 1.5 पे रखा, देन डू 1, 2, 3 एंड देन 1 extra line एंड आपका रिमेनिंग. सो दिस वे आप किसी भी साइज का लिड बना सकते हैं, आप कितना भी बड़ा बॉर्डर रख सकते हैं. बट इन जनरल वेन एवर वी आर डूइंग, वी लाइक ट्राई टू कीप एटलीस्ट 0.75 to 1 inches मिनिमम, इतना साइज हमको चाहिए फॉर योर लिड मेकिंग. तो अगर आप 3 inches by 3 inches का एक्सप्लोजन बॉक्स बना रहे हैं तो यू विल बी नीडिंग द कार्ड स्टॉक ऑफ साइज 5 inches by 5 inches. सो इसके प्रपोर्शन में यू कैन क्रिएट एनी ऑफ योर एक्सप्लोजन बॉक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. अब इसके बाद में, नाउ हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जब भी आप अपना बॉक्स बना रहे हैं, फर्स्ट यू डू ऑल द कटिंग वर्क. अब जैसे मैंने इसको थोड़ा स्लिट में कट किया है, देन यू नीड टू कट दिस पार्ट. हमने अब ये ऐसा कटिंग क्यों किया है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे सो ये हमारे एज पे नहीं लगेगा, वी विल गेट अ वेरी फिनिश्ड लुक. अदरवाइज आप देखोगे जब भी आप अपना एक्सप्लोजन बॉक्स बना रहे हो या आप लिड्स बना रहे हो, किसी भी कार्डबोर्ड बॉक्स लिड बना रहे हो, वो एज फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है. सो उसका वन ऑफ द ईजिएस्ट टिप इज कि जब आप अपना कटिंग कर रहे हैं पेपर को, कीप इट अ लिटिल ट्रायंगल, सो दैट मेक्स योर वर्क मच मोर easier. Okay, so here we are done. I'll just cut this into a little more triangle so that hamari finishing acche se aa jaye. Okay, don't worry about the edges because hum usko bhi decorate karne wale hain. We will be using pattern paper in a variety of ways so that ओवरऑल आप अपना एक्सप्लोजन बॉक्स, यू कैन लिटरली मेक दिस एक्सप्लोजन बॉक्स विद जस्ट 2 pattern papers and 2 cardstock. ये हो जाने के बाद में वी विल इमीडिएटली फर्स्ट फोल्ड ऑल आर एजेस. ये हमको फोल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड अदरवाइज अगर आप लेट से करोगे, बाद में करोगे, तो फिनिशिंग नहीं आएगी. नाउ विद द एक्सप्लोजन बॉक्स इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज गुड टू डेकोरेट इट फर्स्ट. जो भी हमारे लिड का डेकोरेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो बॉक्स बनाया है, फर्स्ट यू नीड टू डेकोरेट द लिड. उसके बाद में आपको ये स्टिकिंग अपने बॉक्स का साइड, लिड की जो साइड स्टिकिंग है ना, वो लास्ट में करनी होती है, नॉट एट द फर्स्ट. पहले लिड बना के हम बाद में स्टिक करेंगे, स्टिकिंग करने में बहुत डिफिकल्टी होगी. सो फर्स्ट कट आउट द बेस लाइक दिस, डेकोरेट द लिड एंड देन डू द एज स्टिकिंग पार्ट. ओके, सो अब इसके लिए ये हमारा दिस पोर्शन इज डन. नाउ यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने थोड़े फसी शीट्स कट कर लिए हैं, पैटर्न पेपर कट कर लिया है, कार्डस्टॉक कट कर लिया है. नाउ व्हाट आर फसी शीट्स? सो एट आर स्टोर यू कैन सी ऑल दीज ब्यूटिफुल डिफरेंट थीम फ्लोरल पैटर्न्स एंड डिफरेंट डिफरेंट थीम के, लाइक फॉर द बेबी, फॉर द गार्डनिंग, फॉर द फ्लोरल, डिफरेंट फ्लोरल्स एंड पैटर्न्स. उसी में से मैंने ये फ्लोरल और अपना कट किया है सो दैट वी कैन डेकोरेट दिस एक्सप्लोजन बॉक्स. दिस इज कॉल्ड फसी शीट कटिंग. यू कैन चेक दिस टेक्नीक, आई शेयर अ लिंक विथ यू. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल टेक्नीक वेयर यू कैन लिटरली हैव सच एन अमेजिंग अमेजिंग कटआउट्स. अब इसको स्टिक करने के लिए वॉट आई हैव डिसाइडेड इज दैट आई एम गोइंग टू फर्स्ट हैव दिस कार्डस्टॉक. सो अब हम यहाँ पर अपना लेयरिंग करेंगे. वाई आर वी डूइंग द लेयरिंग? जो भी हमारा लिड कवर होता है, इट शुड
come out really well as a beautiful border as a design. So here I will be using my pattern papers. Okay, अब ये होने के बाद में now here I am going to use my fussy sheets. अब जब भी आप अपना ये fussy sheets use कर रहे हो, you have to make sure कि आप उसको थोड़ा 3D leveling दो so that it turns out to be beautiful. Now even here in this exclusion box, if you see, मैंने ये थोड़ा सा इसको height दिया है. So this is one way of doing it. There are a lot of different ways of doing it. So if you see, हमने ये layering इसमें almost same की है because I was playing around with the pattern paper. ओके, सो ये मेरा ग्लू गन रेडी है. अब आपके एम्बेलिशमेंट स्टिक करने के पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसके ऊपर पहले अपना एक लेयर ऑफ ग्लू गन लगाएं. दिस विल मेक श्योर कि आपका जो ग्लू गन में हमको जो 3D इफेक्ट चाहिए वो हम इजीली दे सकते हैं. ओके, सो कैन यू सी आई एम जस्ट पुटिंग अ लॉट ऑफ ग्लू गन और हमको इसको प्रेस नहीं करना है बिल्कुल भी. So we have to just leave it as it is. Can you see the 3D effect? So ये हमारा 3D effect का काम करेगा. So glue gun वगैरह जो भी हैं उन सब के links मैं आपको दे दूंगी, so don't worry about it. Okay, and all of them are available at Growing Craft Store. So जो भी flowers हैं मैं उन सब के पीछे थोड़ा थोड़ा glue gun लगा रही हूँ and I'm going to let it dry. आपको इसको dry होने देना है. Anyways, it's a glue gun. ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो यस, कैन यू सी दिस लुक्स गॉर्जियस. अब हम इसको साइड में रख देंगे बिकॉज अभी हमको स्टार्ट करना है अपने लीव्स के साथ एंड देन उसके बाद में हम अपना प्लास्टिक करेंगे. बट बिफोर दैट हियर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेरा मिक्स मीडिया फाइबर. इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं बट आई थिंक आई मोस्ट लाइक I love using this for any of my card making and my mixed media project. So, जो भी colors हैं you can pick and choose as per your theme. So, मैंने यहाँ पे literally थोड़ा सा लिया है. ये बहुत थोड़ा लगता है literally, like just this much. बहुत सारा आपको चाहिए ही नहीं. मैंने ये लिया. So, I'm going to start with one of the corners. मैंने glue gun लगाया. Then I'm going to just press this. ये मैंने इसके ऊपर रखा है. Can you see this? ग्लू गन के ऊपर मैंने सिर्फ इसको रखा है. देन वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टार्ट स्टिकिंग योर लीव्स. अब नाउ लीव्स आर वेरी वेरी डेलिकेट, सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल. थोड़ा सा ग्लू गन मैंने लगाया है सो दैट इट स्टिक्स एक कॉर्नर पे. एंड कैन यू सी बिकॉज हमने ग्लू गन लगाया इट्स गिविंग अ वेरी नाइस 3D इफेक्ट बिकॉज हमने इसको ग्लू गन लगा के थोड़ा तरछा किया है. सो दिस इज लुकिंग गॉर्जियस. लाइकवाइज आपको और एक लीफ लगाना है. अगर आपको बहुत ज़्यादा लेयरिंग चाहिए यू कैन ऑलवेज ऐड मोर एंड मोर फ्लावर्स एंड पेटल्स. इट लुक्स रियली गॉर्जियस. ये दो लीफ हम बाद के लिए रखेंगे जस्ट फॉर कवरिंग अप दी फाइनल एजेस. अब हम अपना फाइनल फ्लावर स्टिक करेंगे. थोड़ा और ग्लू गन लगाया मैंने एंड वेरी क्विकली आई स्टार्ट स्टिकिंग दिस. नाउ लेट मी जस्ट शो यू कि हमारे ग्लू गन का हमने क्या मैजिक किया है. सो नाउ कैन यू सी द लेवलिंग. This looks so gorgeous and it's actually looking like a beautiful 3D work. और हमने सिर्फ use किया है हमारा fussy cut sheet and you have such beautiful florals to your explosion box. अब मैं इसके ऊपर थोड़े और flowers add करूँगी and because हमने glue gun से 3D effect दिया है it looks super 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 gorgeous. राइट एंड हम इसको थोड़ा और फ्लिप कर देंगे. विल जस्ट प्ले अराउंड. हम इसमें ब्यूटिफुल फ्लोरल पैटर्न बना रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज वर्क अराउंड डिफरेंट पैटर्न्स. इट लुक्स गॉर्जियस एंड इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल. मैंने यहाँ पे रेड एंड पिंक का पैटर्न लिया बिकॉज आई रियली फेल्ट कि थोड़े कॉन्ट्रास्ट में इट विल लुक रियली नाइस विथ माई कलर कॉम्बिनेशन. And can you see how gorgeous this looks? अब ये जो leaves हैं ये मैंने end के लिए रखा था because I was not very sure मुझे कहाँ पे कैसी filling करनी पड़ेगी. So can you see? You can just add a little more, थोड़ा contrast add करने के लिए. This looks really, really good. So you don't need too much of flowers or anything. Just here मैंने literally यहाँ पे I've used just two fussy sheets का, not even the 1/4 part, right? So
Now can you see this? Yes, because मैंने 3D use किया है glue gun, so this has come out so beautiful. This is looking like a beautiful 3D piece of art. Okay, now we will move on to the closing and making of the lid part. Now अब इसको cover up करने के लिए I love using a lot of pattern papers. जैसे मैंने यहाँ पे punch का use किया, but I really wanted to use a plain one for this. बिकॉज इसके लिड में हमने ज़्यादा एम्बेलिशमेंट नहीं लगाया है, बट यहाँ हमने बहुत एम्बेलिशमेंट लगाया है. सो टू कॉम्प्लीमेंट दिस एम्बेलिशमेंट वर्क, हम अपना बॉर्डर सिंपल रखेंगे सो दैट ये हाईलाइट हो. अगर आपका ऊपर का लेयर सिंपल है तो यू कैन वर्क अराउंड विद दीज काइंड ऑफ बॉर्डर्स. नाउ इसके लिए वॉट आई विल बी नीडिंग इज अगेन माई पैटर्न पेपर एंड आई जस्ट नीड टू कट अ स्ट्रिप ऑफ लिटरली 1/4 साइज विच आई हैव ऑलरेडी कट हियर. ओके, सो आपने सेम पैटर्न पेपर लेना है. अगर आप दूसरा कलर कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तो यू कैन पिक अप डिफरेंट कलर शेड्स ऑल्सो, इट लुक्स रियली गुड. अब इसके बाद में हियर आई विल बी नीडिंग माई टैकी टेप. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो टैकी टेप यूज करने के पहले What you need to do is you need to make sure कि आपने ये पहले scoring किया है, right? That's why sir आपको score करना बहुत ज़रूरी है. So ये score करने के बाद में इसको fold करना and stick करना becomes much more easier. ये जो भी छोटे parts हैं आपको इसको अंदर में रखना है. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपने सारे outer parts में I will थोड़ा सा, लिटरली थोड़ा सा, हमको ये बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए बिकॉज हमारा एक्चुअल काम जो है वो हमारा टैकी टेप ही करेगा. सो जस्ट मैं इसको थोड़ा थोड़ा स्टिक करते जाऊँगी. ओके, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ये आपका लिड प्रॉपर बंद हो. क्रॉस चेक करने के लिए व्हाट यू कैन ऑलवेज डू इज आपने अपना एक्सप्लोजन बॉक्स लिया. ओके, एंड इसको आपने इसके अंदर फिट किया एंड देन यू स्टार्ट क्लोजिंग योर लिड्स. दिस विल मेक श्योर कि आपका जो लिड है वो एग्जैक्ट बॉक्स के साइज का ही बन रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. आपने अगर ये वाला करेक्ट बना लिया, ठीक फोल्ड किया है, सो यू आर सो गुड टू गो. सो कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुल एंड कलर कॉम्बिनेशन लाइक दिस इज लुकिंग. ओके, सो ये एक बार हो जाने के बाद में जस्ट प्रेस इट वेल सो दैट यू गेट योर बेस एंड यू आर श्योर कि आपका लिड परफेक्ट साइज का बना है, राइट? सो वंस दिस इज हैपन वी विल टेक अप आर टैकी टेप. सो टैकी टेप यूज करने का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट इज दैट यू डोंट हैव टू पुट टू मच ऑफ एफर्ट एंड बहुत बहुत जल्दी हो जाता है. सो व्हाट आई विल डू इज यू नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम वन ऑफ द एजेस एंड गो स्ट्रेट. अगर आपको एक साथ में पूरा लगाने में दिक्कत हो रही है, यू कैन टेक द बिट्स एंड पीसेस एंड देन ऑल्सो यू कैन डू इट. ओके, एंड हियर आई विल टेक इट ऑन द अदर साइड एंड जस्ट आपको इसको स्टिक करते जाना है. पील ऑफ अभी बिल्कुल भी नहीं करना है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको पहले पील ऑफ करते थे. डोंट डू दैट. अगर आप पील ऑफ पहले से ही कर दोगे ना तो वो निकलेगा ही नहीं. मतलब आपका एक्चुअल पेपर स्टिक करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी उसमें. सो दैट्स व्हाई व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट यूज इट वेरी 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 लाइटली. ओके, एंड ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है एंड अब हम इसको ओवरलैप करेंगे. नाउ कैन यू सी द लिड, दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड. हम एक बार इसको वापस क्रॉस चेक करेंगे अपने बॉक्स के साथ जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा बॉक्स ठीक से बंद हो रहा है, खुल रहा है. वी डोंट वॉन्ट एनी कन्फ्यूजन लेटर ऑन एंड दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी परफेक्ट. येस, अभी हमारा लिड बनाना बाकी है. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज दैट हाउ दिस इज टर्निंग आउट. सो ये हो जाने के बाद अब वापस हमें हमारा बोन फोल्डर चाहिए. सो कैन यू सी दिस बबल गैप, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. सो आपको क्या करना है, आपको अपना स्कोरबोर्ड स्कोरिंग टूल लेके इसको अच्छे से प्रेस करना है. कैन यू सी सारे बबल्स गए.
वी शुड नॉट सी एनी बबल्स ऑन एनी ऑफ द कॉर्नर्स, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. और ऐसे प्रेस करने से क्या आपका जो भी एडेसिव भी होगा ना, लिक्विड एडेसिव जो हमने स्टिक किया था वो भी निकल जाएगा. नाउ जस्ट टू मेक इट अ लिटल मोर नीटर, ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो हमारा पेपर का है, आई विल कट इट. नाउ कैन यू सी देयर आर नो रिंकल्स, बबल्स, नथिंग नथिंग, इट इज वेरी नीट एंड क्लीन. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल जस्ट क्रॉस चेक द साइज जस्ट टू मेक श्योर कि हमने ये परफेक्ट एज का रखा है. येस, दिस इज रियली गुड. ये हमने हमारा जो भी लिड का साइज आप लोगे ना उससे छोटा यू कैन टेक. जैसे अगर आपको चाहिए तो आप परफेक्ट लिड साइज का भी ले सकते हो. मैंने यहाँ पे हाफ इंच का लिया है ताकि दोनों साइड में थोड़ा हाफ इंच से थोड़ा कम, सो दैट दोनों साइड में बॉर्डर एज मेरा बहुत सुंदर बने एंड जो हमारा ग्रीन का फॉर्मेशन है वो पूरी तरफ हर तरफ लाइक इक्वल दिखे. सो अब इसको स्टिक करना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो आपको स्टार्ट करना है एक पार्ट से. ओके, ये आपने सिर्फ एक साइड का पील किया. डू नॉट पील ऑफ द पूरा टैकी टेप, जस्ट पील ऑफ द वन पार्ट एंड स्टार्ट स्टिकिंग इट वेरी वेरी नाइसली. ये हमने इस पॉइंट पे रखा एंड वी विल स्टिक इट. कैन यू सी कितना नीट दिख रहा है ये. एंड देन धीरे से यू हैव टू रिमूव द सेकेंड पार्ट. आप इसको पार्ट बाई पार्ट ही स्टिक करेंगे सो दैट ये आपका ईजिली स्टिक हो जाए. अगर आप एक बार में पूरा निकाल दोगे ना तो ये पार्ट नीचे टेढ़ा मेढ़ा स्टिक होगा. डोंट डू दैट. नाउ आई विल रिमूव दिस पार्ट. अब हम अपना थर्ड पार्ट स्टिक कर रहे हैं एंड दिस इज माय लास्ट पार्ट. अब फॉर दिस पार्ट व्हाट आई विल डू इज आई हैव अ लेफ्ट ओवर पीस हियर, आई विल स्टिक दिस वन एंड वी विल कट इट. ओके, सो अब ये वाला हमने निकाल दिया, यहां से स्टिक हो गया एंड इसको मैंने कट कर दिया. राइट, सो हियर माय लिड इज रेडी. सो इन जनरल अगर आपको कोई सा भी आपका एम्बेलिशमेंट लग रहा है कि इट्स मूविंग, यू कैन ऑलवेज यूज योर ग्लू गन थोड़ा सा एंड स्टिक इट वेल. ओके, नाउ कैन यू सी दिस. सो हियर माय एक्सप्लोजन बॉक्स का लिड इज रेडी. सो दिस इज लुकिंग सुपर गॉर्जियस एंड हमारा ये बेस भी हमने रेडी कर दिया है. सो इफ यू एक्चुअली सी इट प्रॉपरली, दिस लुक्स सुपर गॉर्जियस विद द सेम इन द ग्रीन थीम विद अ फ्लोरल पैटर्न ऑन द टॉप. सो हमने स्टार्ट किया था विद सिर्फ ग्रीन कलर, नाउ वी हैव अ ब्यूटिफुल पैटर्न ऑफ द रेड कॉन्ट्रास्ट कलर ऑन द टॉप. अब एक्सप्लोजन बॉक्स के इनर पीसेस बनाने के लिए आई हैव टेकन अप अ पैटर्न पेपर. सो इसको अब हम कट करेंगे हमारे पेज के साइज का. ना अब इसके पॉकेट के साइज कैसे मैं डिसाइड करती हूँ. सो अगर मैंने ये छोटे साइज पॉकेट्स बनाए हैं, आई विल जस्ट मार्क इट विथ अ पेंसिल एंड आई विल कट इट. ओके, दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट वे. आपको कोई मेजरमेंट्स नोट करने की जरूरत नहीं है, यू ऑलवेज हैव योर मेजरमेंट्स हैंडी एंड कैन यू सी दिस. तो मैंने सिर्फ कॉन्ट्रास्ट लिया है यहाँ पे सो दैट इट बिकम्स मच मोर ईजियर. नो तामझाम, मैं सिर्फ इसको लिटरली मैं कट कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू जस्ट पुल इट इन साइड. सो दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट वे. एंड हमने जो लिड के ऊपर डेकोरेशन की है, सेम वे यू कैन डू इट एट द सेंटर. मैं इसको एम्प्टी रख रही हूँ सो दैट वी कैन हैव अ नाइस चॉकलेट और कैंडी इन साइड एंड यू विल हैव अ ब्यूटिफुल एक्सप्लोजन बॉक्स गिफ्ट कार्ड रेडी. सो एंड सी फॉर द इनर पेजेस आपको इतनी एफर्ट नहीं मानने की जरूरत है अनलेस अंटिल यू वॉन्ट टू हैव सम मोर पॉकेट्स. जैसे मैंने ये वन लेयर का बनाया है, इन द सेम वे यू कैन हैव अ लॉट मोर लेयर. ऑनेस्टली मैंने एक्सप्लोजन बॉक्स बनाए हैं फॉर 60-70 पिक्चर्स ऑल्सो. सो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ यू कैन पुट अ लॉट ऑफ पिक्चर्स हियर. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मेकिंग अ बिगर एक्सप्लोजन बॉक्स, सो आई कैन हैव माई टू पिक्चर्स हियर, 2, 4, 6, 8. देन इफ यू वॉन्ट यू कैन एड, ऑलवेज कीप एडिशनल टैग्स. और ऐसा नहीं है कि आपने एक रखा है तो एक ही रखना है, यू कैन ऑलवेज हैव मोर
tags here. Then in the center, you can create a beautiful booklet inside, and then you can have your more pictures. So right now, agar main dekhun to 2 to 4 to 6 to 8, 8 into 2, 16 photos hum at least isme laga sakte hain. Aur agar instead of this border, agar aap isko straight simple border banate ho, to you can have a picture here also. So that actually creates a lot of space for your picture in your explosion box. So right now I'll just keep it like this, and you can see how beautifully and easily aapka explosion box ready ho gaya hai. So let me just open this for you and ta-da. So I really hope aapne ye tutorial enjoy kiya. Let me know your feedback, and I will be looking forward for it. And thank you, and take care, and bye-bye.